स्टार, पर ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? अरे उसे अभी भी खा सकते हैं। तो दूसरे दिन के बाद भी हेनरी है टाई टाई फिश और प्यारे पीटर को मिलता है दूसरा स्टार। क्या कर रहे हो हेनरी? सोचा रूम के पर्दे धोकर साफ कर दूं। बहुत अच्छे हेनरी। वो वहाँ क्या कर रहा है? रुक जा, तू यहाँ पे क्यों आया? पर मुझे वैक्यूम क्लीनर चाहिए। ये कितना गलत है। तीसरा दिन पीटर के पास है 3 स्टार्स और हेनरी अभी भी 0 पर। ट्विंकल ट्विंकल छोटे भाई, तू तो हारा है। सपने देखते रहो हेनरी। डर गया मैं। अपनी जीत पक्की करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। पीटर की हिप्पो पेंटिंग इसी दीवार के उस तरफ है। अब देखते हैं। बहुत ही सुंदर है पीटर। अभी अरे नहीं। चौथा दिन और हमारे प्यारे पीटर के पास हो गए हैं 4 स्टार्स और हेनरी अब तक 0 पर। हेनरी को कुछ स्पेशल करना ही होगा अगर उसे पिज्जा और बर्गर खाने जाना है तो। याद है ना हेनरी, आज जॉश खेलने आने वाला है। ओह नो, बदमाश जॉश। वो हमेशा मस्ती करता रहता है। मेरे रूम का बैंड बजा देगा वो। कोई बात नहीं बेटा। चास्टास। वाह, सब्जी खाने में मजा आएगा। वहे! मेरे लिए रुक। ये तेरे लिए। नहीं चाहिए। चल बाहर खेले। हाँ पर बारिश हो रही है। चल इससे खेलते हैं। नहीं, क्या हम बैठ के सिर्फ बातें करें? अब ठीक है। क्या बात है, तुझे हुआ क्या है हेनरी? तेरा रूम कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ, साफ दिख रहा है। इतना साफ तो कोई भी नहीं रखता। मॉम ने कहा है कि अगर मैं साफ रखूंगा तो पिज्जा और बर्गर खिलाएंगी। पिज्जा और बर्गर फिर तो बनता है यार। पर अगर मेरा भाई जीत गया तो मुझे सब्जियाँ खानी पड़ेगी। तो उसे कितने स्टार्स मिले हैं? 4। और तुझे? 0। फिर तो तुझे कुछ बहुत ही स्पेशल वाला जादू करना होगा तेरे पिज्जा और बर्गर के लिए। पर क्या? तू बस देखता जा, मैं प्रोफेशनल हूँ। बाय जॉश और थैंक यू। बाय और ऑल द बेस्ट। वाओ हेनरी, तुम्हारा रूम तो वाकई बहुत ही साफ है। थैंक्स मॉम। पर पीटर का रूम भी बहुत साफ है। हाँ? ये क्या है बनी? So easy being me, I'm Hard Henry.
ये लो, जितना भी चाहे ले लो। लाइफ सेट है, डैडी ने मेरे टॉफीज क्यों दिए? हैलोवीन आ गया है तेरा हीरो। सुजन कॉस्ट्यूम में झाड़ जैसी लग रही है और वो सिर पर मुर्गे जैसा क्या बना रखा है? वो बाजू वाली मेरी आंटी ने तो सड़ी गले चॉकलेट्स दिए थे, मुझे लगता है वो पिछले साल के थे। मैं जानती हूँ ये कोई ट्रिक है। मिल गया माल मसाला, अब कल्लू कालिया सबका बैंड बजाने के लिए आ गया है। देखो मैं टॉयलेट पेपर लगाता हूँ, तुम जाके चॉकलेट्स लेके आना। क्या क्या बोलता है, ले लूँ क्या? ऐसा क्यों? वो असली भूत तो नहीं हो सकता है ना? ऐसा क्यों? नहीं, कभी नहीं, वो हमारा है। मुझे स्विमिंग नहीं आती। ये हुई ना बात। किसकी शामत आई है यहाँ? अरे पर शैतान जैसे कुछ नहीं होता। कोई सबको डरा के उनके चॉकलेट्स छीन रहा है और हमें लगता है कि वो हेनरी है। हमारे हेलोवीन का सत्यानाश कर दिया। अंकल प्लीज उसे रोको। सॉरी, हेनरी को पनिशमेंट मिली है, वो आज घर के बाहर नहीं जा सकता। वो तो आपको फंसा के चला गया होगा। एक मिनट, आज के दिन भी उसे सजा मिली? हाय बेचारा हेनरी। हेनरी, हेनरी, हेनरी अपने कमरे में ही है, मैं अभी अभी उसे देखकर आया हूँ। ओह नो, सच में कोई कल्लू कालिया है? अंकल को तो कोई भी उल्लू बना सकता है और हेनरी ने वही किया है। तो अब टाइम है सबसे हुए खिलाड़ी का, मार्गरेट। सुन बे पिद्दू चूहे, जंगली हेनरी, तूने अंकल को चोपी पहनाई है पर मुझे नहीं पहना सकता। मैंने तुझे पकड़ लिया है हेनरी, अब चल अंकल के पास, दो चार लाफे तो पक्का खाएगा। मैंने तुझे देख लिया है हेनरी, चुपचाप नीचे आ जा। अब वहाँ से कहाँ भागेगा? नीचे उतर वरना मैं तेरी चड्डी उतार दूंगी। So easy being me, I'm hard Henry.
बादल इधर को जाएगा, सारे फूल उधर को जाएंगे, काले बादल उस तरफ और बारिश की बूंदे इधर पर। अब शुरू करो। बच्चा लोग एकदम बटर का माफिक, एकदम स्मूथ। मिस हेनरी धक्का दे रहा है। बहुत अच्छा बच्चा लोग। कम ऑन मार्गरेट, अब तुम्हारी बारी है। मिस हेनरी तंग कर रहा है। हील टो, हील टो, अब लेफ्ट की तरफ। मिस हेनरी धक्का दे रहा है। अब गोल गोल। साइलेंस, तुमको बहुत मस्ती है क्या मैन? सॉरी टूटू टीचर, मैंने बहुत कोशिश की, अब मुझे शो से निकाल ही दो। मेरा बात सुनो हेनरी, मेरा क्लास में कोई फेल नहीं होता। कोई नहीं? नहीं, हर बच्चा में टैलेंट होता है हेनरी। अगर तुम मेहनत करेगा तो स्टेज पे शान से नाचेगा, वो भी सबके साथ। अब मैं क्या करूँ राल्फ, अब तो ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। हो सकता है कि शो इतना बुरा हो कि कोई तुझे पहचानेगा ही नहीं। आइडिया, बर्थडे राल्फ, मैं तेरा कराटे ड्रेस ले रहा हूँ। सुन बाय। मैंने कुछ गलत कहा क्या? ऐसा क्यों? पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रहा है। मैंने अपनी मम्मी को देखा। हम सब बादल हैं। हम सब बादल हैं। हम सबसे अच्छे बादल बनेंगे और सबको दिखा देंगे। चलो बच्चा लोग, अपना अपना ड्रेस पहन लो। अब मैं अपना ड्रेस पहनूंगा। ये जगह ठीक है। अब पीटर स्टेज पर नर्वस तो नहीं होगा ना? पता नहीं हेनरी स्टेज पर क्या करेगा। खड़ा हो जाओ सब लोग, जल्दी। हेनरी किधर को गया? अब मैं आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ टूटू टीचर की प्राइमरी बैले क्लास, जो हमारे लिए परफॉर्म करेंगे एक बिल्कुल नए गाने पर, जिसके बोल हैं बारिश आई छम छम। सही है। मेरा प्यारा बच्चा पीटर। हेनरी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नाचो नाचो, शो रुकने को नहीं मांगता। ये तुम क्या करता है? बारिश के पहले तूफान आएगा। रुको, तुम इधर ही खड़ा रहेगा, हिलने का नहीं और डांस तो बिल्कुल नहीं करेगा। पर यहाँ से मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। सही समझा तुम। समझ गया मैं, कराटे क्लास में आ रहा हूँ। हेनरी। ओह, हेनरी के माफिक करो, उसके जैसा करो। So easy being me, I'm Harvey Henry.
मम्मी भूख लगी है। मामा मुझे प्यास लगी है। माम मेरा बेड गरम है। मामा मेरा बेड ठंडा है। मामा बच्चों, मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दादी के आने तक तुम लोगों को खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं ठीक हूँ, मैं कंप्यूटर गेम्स खेल सकता हूँ। ठीक है ठीक है, पर पहले मेरे लिए एक ग्लास ऑरेंज जूस ले आओ। अगर तुम बीमार हो तो जाकर सो जाओ बेटा, और अब पीटर के लिए थोड़ी सी आइसक्रीम ले आना, उसे पसंद है। एक पीटर के लिए, दो मेरे लिए, एक मेरे लिए, तीन, नहीं तो पीटर फिर बीमार हो जाएगा। हेलो, मैं मिस ऑटपॉट बोल रही हूँ, क्या तुम हो हेनरी? नहीं, मैं पीटर हूँ, हेनरी का टेढ़ी नाक वाला छोटा भाई। अच्छा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अब मुझे उनसे बात करनी है, हेनरी ने अपनी स्पेलिंग टेस्ट मिस कर दी है। नहीं वो नहीं है, मेरा मतलब वो बाहर गई है, और हेनरी आज के बाद कभी स्कूल वापस नहीं आएगा। क्या क्या कह रहे हो? उसे इतना तेज बुखार है कि उसका दिमाग पिघलकर जमीन पर बह रहा है, मुझे जाकर सारा साफ करना पड़ेगा। बाय। ये क्या बात है? हेनरी, तेरा जूस का बेटा, और मेरी आइसक्रीम भी। मैं राजा बनूंगा तो मेरे राज में एक टाइम पर एक ही आदमी बीमार पड़ेगा, और वो होगा मैं। हेनरी, चिट्ठी आई है क्या? जरा ऊपर ले आओ। अच्छा बनने में बिल्कुल मजा नहीं आता। हेनरी, लगता है दरवाजे पर कोई है। हेलो बेटा, मम्मी डैडी घर पर हैं क्या? मम्मी है पर बीमार है, मुझे साफ सफाई करनी है। जी। मम्मी को बुलाओ क्या? मम्मी। नहीं नहीं नहीं, उन्हें तकलीफ मत दो, एक मैसेज दे दो बस, हम काम शुरू कर रहे हैं तो कुछ घंटों के लिए पानी बंद करेंगे। म्याओ म्याओ, ये पीटर का है। जैसे ही काम खत्म होगा हम आपको बता देंगे। हेनरी आया। म्याओ म्याओ, ये सिर्फ बीमार लोगों के लिए है। थैंक यू बेटा, दरवाजे पर कौन था? नंबर था, वो पानी बंद करने वाला है। अरे अरे, मुझे आज ही बीमार पड़ना था, इस बारे में तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा बेटा, एक काम करो, तुम बाथरूम और किचन दोनों जगह पर पानी भर दो, जो भी बर्तन मिले उस पे पानी भर देना, और ध्यान रहे गिराना मत। हाँ, और बेटा ये पीटर के लिए ले जाओ। अब मैं कंप्यूटर पे खेल सकता हूँ। ओह, इससे भी कुछ बुरा हो सकता है। हेनरी, बेटा मेरे लिए कंबल ले आना। और गर्म पानी की बोतल, मुझे ठंडी लग रही है। मुझे मैगजीन दे।